चल रहे। और सेब थोड़ा पीछे दे हुआ। और सेब से 300 तो लाया के 500 रुपये दिखा। 300 और 500 तक के सेब में क्या फर्क है? फर्क की है बाजी जी, लोगों ने स्टोर किया है, रेंट इतना पैंदा, सेब का तो हूँ टाइम ही नहीं है। अच्छा। स्टोर किया है वो बेचारे बेचते पैने, समझ रहे हो। और अंगूर? अंगूर का नहीं मैंने पता, अंगूर का नहीं मैंने पता, अंगूर का नहीं पता। पपीता? पपीता 250-200। पपीता 250 से 200 रुपए किलो। सिंध तो आंदा है, कह रहे जेनी इन पै जांदी है, नहीं ते 50 रुपए किलो बिके। पेट्रोल अगर सस्ता होवे ना ते बहना 50 रुपए किलो बिके। सिंध तो आंदा है, कराची तो अंदाजा तुसी ला लो ना के किन्नी कैरेज पै जांदी। जिमीदार नु कुछ नहीं मिलदा। और ये अमरूद? अमरूद 150 रुपए। अमरूद 150 से 200 की, इसको क्यों, इसमें कौन सा किराया पड़ता है? ये तो पंजाब में आम लगा होता है। आहो ते दरिया तो मेरी भैन ले आ हां चोक के। अच्छा। एक तड़ी ते पता लगे तेनु किराया कितना बाजी जी। स्ट्रॉबेरी किस तरह दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी बाजी जी 300 तो ले के 450 तक बिक रही है, समझ दियो जदों शार्ट हो जांदी है 500 भी बिकदी। इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी? हां जी। और अभी तो स्ट्रॉबेरी आ भी खट्टी रही है, मीठी भी नहीं है। आहो तो फिर भी लोग पागलां तरह खाई जा रहे हैं। अरे बस कर भाई। और खरबूजा? खरबूजा 200 रुपए 150 रुपए। और ये किन्नो? किन्नो का कोई हाल नहीं रह गया हूँ। अच्छा। किन्नो खत्म हो गया। आपको लगता है ये जो रेट आपने बताए हैं, आम आदमी इस फ्रूट को अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। घी देखे ना कहाँ पे है, चीनी कहाँ पे है, पेट्रोल कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल फ्री जा रहा है काम। गजब बेइज्जती है। मैंने आपको बताया है ना कि 5 साल पहले भी यही रेट था, आज भी पहले भी सेब 500 रुपए किलो मिलता था तकरीबन। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अच्छा। तकरीबन ठीक है, मुझे नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्यों नहीं लगता बता रहा हूँ ना। अच्छा। तो 5 साल पहले घी देखें, पेट्रोल देखें कहाँ पे था, तेल देखें कहाँ पे था, तो ये बेचारे इधर के इधर ही हैं। चीकू किस तरह दे रहे हैं? चीकू पता नहीं है की भाव है। चीकू 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 का क्या रेट है? 300 रुपए। देखे खड़े खड़े चीकू का 100 रुपया बढ़ गया। इंडिया में केला 40 रुपए दर्जन मिल। ओ बकार है, केला बड़ा जरूर है। हाँ। पर बकार है, खान दे काबल नहीं है। अच्छा, इंडिया का केला साथ ही बेकार हो गया क्योंकि वो सस्ता है, खराब है, वो जायका ही नहीं उसका। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्यों नहीं वो खाया जाता, ये केला पूरी दुनिया में खाया जाता है, आपको मालूम है ये, इसीलिए तो इतना महंगा फ्रूट कि आप सारा फ्रूट एक्सपोर्ट कर देते हैं, आवाम को मिलता ही नहीं। क्यों आप लोग करते हैं, क्यों करते हैं आप? अब मैं तो नहीं करती, मैं तो खुद फ्रूट लेने की मारी बैठी हुई हूँ। वो आपके ही बहन भाई हैं जो करते हैं, हम तो यहाँ। आपके बहन भाई नहीं, आप भी तो मुसलमान हैं। बात तो सुने, हम तो यहाँ से बाहर ले जाएंगे ना तो उसका भी रेंट पड़ेगा, आप समझ रही हैं, तो बस यही बात है। आपको पता है इंडिया में सेब 50 रुपए किलो है और अंगूर भी 50 रुपए किलो। वो जाके सुटना पैंदा है वो वाला, पता जे? और नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने लोगों से देखा है, लोग धड़ाधड़ फ्रूट जी उन्ना ना मिक्स करना जे, उन्ना दा वेखो ना जरा, उन्ना दा मकाम वेखो किथे चला गया, असि बेईमानियां कर कर के इत्थे रह गए, हर 3 साल बाद घूमर डेग दी जांदी है, उन्ना दी कदी घूमर डेग दी वेखी जे? कभी भी नहीं। 35 साल आर्मी ने इत्थे जिहड़ा ना हुकूमत कर ली है, 35 साल इन्हां ने कर ली, असी इत्थे दे इत्थे ही रह गए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जब इंडिया के साथ तजारत होती थी, इंडिया से कोई फल पाकिस्तान आता था? हाँ जी आता था। कौन कौन से? केला। अच्छा, तो वो केला आप कहते हैं, पहले तो कहते केला खाने के काबिल नहीं, वो आंदा सी ना ते वो नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। अच्छा। और जायका ही नहीं है उसका, फ्लॉप हो गया। तजारत वैसे होनी चाहिए, होनी चाहिए। पूछो ना जाके प्याज का की हाल किया है। प्याज हम पता करके आए हैं, 250 से 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। आहो तो 80 रुपए किलो होना चाहिए सी। और इंडिया में 25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। आहो बीबी मरियम नु समझाओ ना जाके। बीबी मरियम दे हुने आई है ना, जेडे पहले आए उन्होंने पूछो ना, तो उन्हों का प्यो दादा तो इतने ही हुकूमत कर। समझ रहे हो, समझ रहे हो। खरबूजा किस तरह आता है पीछे से और यहाँ पर मंडी में किस हिसाब से बिकता है? ये खरबूजा सिंध में हम भिजवाई करवाते हैं, उधर से गाड़ी में लोड होके लोहर आता है, लोहर रावी मंडी से, उधर से फिर हम इधर लेके आते हैं लोड करके गाड़ी में, इधर बिकता है। फिर क्या नाम, ये 3 तह बिकती है 1800-2000 की, डबल सुपर बिकता है 2100-2200 का, VIP बिकता है 2200-2300 का, जो वो क्या नाम गिफ्ट है, केक है, वो 2400-2500 का बिक रहा है अब।
आज का जो बाजार ये है। अच्छा, किलो किस तरह मिल रहा है खरबूजा? किलो तकरीबन ये 150 से लेके 300 तक बिक रहा है। आपको लगता है कि रमजान के इस महीने में, बाबरगतों के मुबारक महीने में, खरबूजे का ये रेट मुनासिब है? हाँ, रेट तो मुनासिब है क्योंकि पीछे से बहुत महंगा बिक रहा है, दुकानदार को ये क्या नाम है समझ में नहीं आ रहा हम बेचे कैसे। समझ रहे हो, दुकानदार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बेचे कैसे, ग्राहकों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे। जी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। सबसे बड़ी वजह ये महंगाई है, उसके बाद ये कहना खरबूजा जो ना बिल्कुल कम आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। अब 10-15 गाड़ी आ रहे हैं पूरे लोअर में, 10-15 गाड़ी कुछ नहीं करती, जिधर 50-60 गाड़ी होती सिर्फ 10-15 गाड़ी आ रहा है। अब क्या वजह है इसकी? ये वजह पीछे सर्दी पड़ेगी, सर्दी की वजह से खरबूजा तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, खरबूजा बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं नहीं, बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते, इधर ही बेचते हैं पाकिस्तान में, पूरे में हमारा जाता है, रायवण जाता है, इधर जाता है, मांगे जाता है, उधर गुजरांवाला जाता है, उकाड़े जाता है। अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया के साथ अगर हम मुआवजा करें तो आधो आध का फर्क है वहाँ के फलों में और यहाँ के फलों में। क्या बड़ी वजह नजर आती है? वहाँ भी रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, वहाँ की सरकार आवाम को रिलीफ दे रही है, फलों की सब्जियों की कीमतों में कमी है, यहाँ पर मेरा ख्याल है महंगाई का जिन आपे से बाहर हुआ हुआ है। सेब देख ले, फल कोई भी उठा के देख ले, हर एक चीज को आग लगी हुई है। जी, उधर का एक तो पैसा मैम बड़ा है, दूसरे नंबर पे उधर क्या महंगाई थोड़ी कम है इंडिया में, इधर पाकिस्तान में सब चीज महंगी है, ये कोरोना जब का है इधर सब चीज डबल रेट पे चली गई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं तो अभी कब तक हमने इस महंगाई के जिनको यूं ही बेकाबू रखना, काबू तो करना है ना। तो अब आवाम देखें बेचारी, मैंने कुछ लोग तो यहाँ तक देखे मजबूर कि वो आपकी मंडी से बाहर गला सड़ा जो है फल लेकर जाते हैं और चौप कर करके खाते हैं। हाँ, बस ऐसी करते हैं, गरीब आवाम ज्यादा इधर क्या करे, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते रेट वगैरह वो ऐसी गला सड़ा खा कर गुजारा करते हैं, किसी को तो गला सड़ा भी नहीं नसीब होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा, क्या कहेंगे केला किस तरह आप कहाँ से मंगवाते हैं, यहाँ पर किस रेट पर बिकता है? मैम, हम यहाँ से आड़त से लेते हैं, उनके मुख्तलिफ प्राइस होती हैं, जो अच्छा केला है वो तो तकरीबन 250-300 रुपए पर दर्जन पड़ता है। अच्छा। और जो मीडियम साइज है वो तकरीबन 150 भी अभी मैंने बेचा है, 150 रुपए भी आवाम नहीं लेती, वो कहती है 120-10 होना चाहिए, तो अगर हम वो बेचें 120-10 में तो हमें कुछ नहीं बनता। रमजान से पहले अगर हम बात करें केले की, केला एक बेसिक फल है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, बच्चा भी खाता है बूढ़ा भी खाता है, और ख़ासकर रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में केले की बड़ी डिमांड है, क्योंकि फ्रूट चाट के में जो है केला ना जब तक डले तो चाट तो अधूरी होती है। तो मुझे बताएं रमज़ान से पहले तो केला 60-70 रुपये दर्जन भी मिल रहा था। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है, लेकिन ये जहाँ से आ रहा है ना पीछे से वहाँ से ही मंगाई है, और कुछ यहाँ पर जो होते हैं आड़ती वगैरह वो हर चीज़ का डिफरेंट होता है, जैसे जो अच्छा क्वालिटी का केला है वो 250-300 रुपए मिलता है। अच्छा। और लो क्वालिटी का लें तो वो तकरीबन खुद को 130-140 रुपए पड़ता है। 250-300 रुपए दर्जन केला मिलता है? जी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का। अच्छा। और जो लो क्वालिटी है वो तकरीबन 120-130 खुद को पड़ता है, 150 बेचे तो कोई 10 रुपए बनते हैं।